हेलो एंड वेलकम टू ऑल मिश्रा सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए पेट की काफ़ी लंबे समय से चर्चा चल रही थी, तो कल उसका सिलेबस आ गया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि बोर्ड पे बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, वो स्पेशली संबंधित है जो आपका पेट एग्जाम होगा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट जो है, प्री एग्जामिनेशन परीक्षा जो आपकी होगी, उसके संदर्भ में क्या क्या आप आगे की हमारी स्ट्रेटजी होगी और कौन कौन से सब्जेक्ट पे हमको विशेष ध्यान देना होगा, उसी संदर्भ में आज के इस वीडियो लेक्चर में शुरू बातचीत की जाएगी। तो बिना देर किए हुए आइए समझ लेते हैं कि किसमें से क्या क्या खास खास सेगमेंट है जिसपे आपकी पकड़ होगी तो आप पीट एग्जाम को बड़े आसानी से क्लियर कर सकेंगे। देखें सबसे पहले ये प्रावधान क्या है। ये परीक्षा की अवधि बाबू इसमें टोटल जो है 2 घंटा है। पूर्णांक 100 नंबर का ये टोटल पूर्णांक होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है और साथ ही साथ इसकी डिफिकल्टी लेवल, सबसे खास बात इस बार किया क्या, यूपी ट्रिपल एससी के तहत जो भी एग्जामिनेशन होंगे या पिट के थ्रू भर्तियाँ होंगी उसमें सबसे अच्छी बात ये की गई है कि आपका जो सिलेबस है वो बड़ा प्री डिफाइन है और जिस तरीके से सिलेबस को डिफाइन किया गया है, यदि इस तरीके से क्वेश्चन पेपर को सेट किया जाए तो गेस लगाना काफ़ी आसान हो सकता है और थोड़ी सी एक बढ़िया स्ट्रेटजी बना करके काफ़ी आसानी से पेट एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है। तो समझते हैं कि कौन कौन से विषय हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और किसको कमांड करके बेहतरीन ढंग से पेट एग्जामिनेशन में आप अच्छा कर पाएंगे। सबसे पहले देखें, हमने आपसे चर्चा की कि पूर्णांक 100 नंबर का होगा। डिफिकल्टी लेवल सीधे सीधे लिखा हुआ है कि NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी लेवल का आपका इसमें डिफिकल्टी लेवल होगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग और किस विषय का कितना वेटेज है, कहां कहां पर आपको विशेष पकड़ बनाने हैं उसी को समझते हैं इस वीडियो लेक्चर में। देखें भारतीय इतिहास का जो सिलेबस दे रखा है इसमें लगभग इस चैनल पर यदि आप देखेंगे तो काफ़ी एक महत्वपूर्ण पोर्शन इस सेगमेंट से जो आपके सिलेबस में डिफाइन किया गया है पेट में वो लगभग पूरा हो गया। जो नहीं पूरा हुआ है उसको आगे करवाया जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जा करके चाहें तो देख सकते हैं, एंशियंट मेडिवल और मॉडर्न का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जो जो विषय इसमें दिया गया है काफ़ी हद तक कवर करने का प्रयास किया गया। ये इसको एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट इसमें आपको पढ़ना है। भारतीय इतिहास बाबू लिखा गया और इसमें 5 अंक है। इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता धूमधाम से आपको पढ़ाया गया है, इसको आप देखें। वैदिक सभ्यता या तो वैदिक संस्कृति, ये भी आपसे चर्चा हुई है। बौद्ध धर्म स्पेशली गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म में महावीर की जीवनी एवं उनकी शिक्षाएं, मौर्य वंश और सम्राट अशोक। सम्राट अशोक को अलग तरीके से करके लिखा हुआ है, यानी हमको मौर्य वंश में ज़्यादातर फोकस करना होगा सम्राट अशोक पर और उनकी प्रशासन पर। गुप्त वंश लिखा है, साथ ही साथ 2 महत्वपूर्ण राजा जो गुप्त काल के रहे, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके बारे में थोड़े दिन में इस पर चर्चा कर लिया जाएगा। गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन, फिर राजपूत काल का एक टॉपिक बचा हुआ है इसको करा दिया जाएगा। दिल्ली सल्तनत को पढ़ा दिया गया है आपको। मुगल साम्राज्य के जो महत्वपूर्ण शासक रहे, बाबर, हुमायूं, अकबर, बीच में शेर शाह सूरी, उनको भी कवर कर ही लिया गया है। मराठा टॉपिक बचा हुआ है, करा दिया जाएगा किसी अन्य दिन। ब्रिटिश राज का अभ्युदय का एक सेगमेंट बहुत जल्दी ही आपको 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आपको दिखाई देगा इस चैनल पर। ब्रिटिश राज का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव, ब्रिटिश राज्य जब स्थापित हो गया हमारे देश पर उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा उसको देखा जाएगा। इसका पूरा बाबू 5 अंक है। उसके बाद एक अलग से इतिहास का हिस्सा है और बड़ा महत्वपूर्ण, ये प्री डिफाइंड बार बार हम कह रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी 5 अंक का है। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष इसमें एक सेगमेंट है। स्वदेशी तथा सविनय, मॉडर्न का ही सारा मेन टॉपिक है। महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा राष्ट्रवाद, चैनल पर जाएंगे तो देखेंगे गांधी युग का 3 पार्ट कवर किया गया है और उससे संबंधित कोई भी चीज बाहर से नहीं आएगी यदि आप गांधी युग के उस तीनों वीडियो लेक्चर को आप आराम से देखते हैं। तो अधीनताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा राष्ट्रवाद का उदय बहुत जल्द होगा ये भी टॉपिक। विधायी संशोधन, राज व्यवस्था का प्रारंभिक चीजें कह सकते हैं या तो जो भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ज्यादातर लोग इतिहास में या तो पॉलिटिक कहीं पे भी उसको पढ़ सकते हैं। विधायी संशोधन था ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 को सीधे सीधे लिखा हुआ, इसलिए 1935 को जरूर पढ़ना है। भारत छोड़ो आंदोलन कवर हो गया है, चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, गांधी युग में उसकी चर्चा की गई है। आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बहुत जल्दी इस पर भी चर्चा हो जाएगी। भूगोल पे देखें वो भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल जिसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे नदी, पहाड़, दर्रे इत्यादि चीजों को। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसंख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, 5 अंक का ये है।
तो कहने का मतलब यदि इन दोनों को मिला दें तो इतिहास का यदि आप वेटेज देखेंगे पेपर में, तो इतिहास का जो वेटेज है वो 10 अंक का है। तो 10 अंक का टोटल देखें तो इतिहास का वेटेज हो गया। भूगोल आपका 5 अंक के वेट के साथ है। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था में डिफाइन किया गया स्पेशली 1947 से 1991 तक हमारे देश की क्या स्थिति रही, योजना आयोग ने शुरुआती दौर में कैसे काम किया, पंचवर्षीय योजनाएं, फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार, 1991 में जो LPG पॉलिसी आई और उसके बाद हमारे देश पर क्या इम्पैक्ट पड़ा उसके बारे में अध्ययन करना है। और यहाँ पर सीधे सीधे स्पष्ट तौर पर लिखा है कि 2014 के पश्चात यानी नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से आई उसके बाद से देश में कैसे कैसे आर्थिक सुधार हुए, कृषि सुधार हुए, श्रम सुधार हुए, ढांचागत सुधार क्या क्या रहा उसके संबंध में अपने पास जानकारी होनी चाहिए। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण सुधार के तौर पर उल्लेखित किया गया GST। तो 5 अंक के साथ आपका भारतीय अर्थव्यवस्था इसमें बना हुआ है। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन देखें, 5 अंक का इसमें आपको भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, हमारे संविधान की क्या क्या हैं इसको फोकस करना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायती राज व्यवस्था। तो देखेंगे सामान्यतः तो भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन का यदि आप सिलेबस देखें तो लगभग लगभग जितना हम कंपटीशन नन एग्जाम की तैयारी करते समय उसको पढ़ना होता है तो लगभग लगभग वही सारा कुछ ही दे रखा हुआ है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत देखें तो 10वीं के आसपास तक इसकी कठिनाई का स्तर होगा। प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान इस तरह से आपके सिलेबस में दे रखा है। तो 5 अंक के वेटेज के साथ आपका सामान्य विज्ञान। गणित को यदि आप देखें तो प्रारंभिक जो अंक गणित है जिसका स्तर लगभग लगभग 8वीं 10वीं के आसपास का माना जाता है, इसमें आपकी बहु पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशत, अंक गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत। चैनल पे वर्ग एवं वर्गमूल के चैप्टर पढ़ा हुआ है, आप जाकर देखें। बाकी यानी जो प्रारंभिक अंक गणित में चीजें पूछी जाएंगी आपको बहुत जल्दी उसकी भी वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो यहां से देखें तो इस 7 सेगमेंट में जो 5-5 के अंक में डिवाइड हुआ है तो टोटल इधर 35 अंक आपने आपको जानकारी दे दी। उसके बाद हिंदी में देखें क्या क्या है। हिंदी के अंतर्गत वो संधि है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। आप सब ऑलरेडी वाकिफ हैं, उत्तर प्रदेश की परीक्षा के लिए तैयारी करते रहे हैं। तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, लिंग है, समश्रुत्र भिन्नार्थक शब्द, एक तरीके से सुनाई तो पड़ता है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। फिर मुहावरे एवं लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां क्या क्या होती हैं, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य। यहां पर ये हिंदी का एक सेगमेंट रहा 5 अंक के वेटेज के साथ। उसके बाद एक और कह लीजिए कहीं ना कहीं एक बढ़िया प्रयास भी सरकार को यदि पॉजिटिव रूप में देखें तो, क्योंकि धीरे धीरे वैश्विक स्तर पर देखें न चाहते हुए भी हिंदी की इस प्रकार की अंग्रेजी की इतनी महत्वता दी जा रही है और लगभग लगभग हर जगहों पर अंग्रेजी की इतनी महत्वता, तो हर एक विद्यार्थी और हर एक अभ्यर्थी से इस बात की उम्मीद की जाती है कि उसको अंग्रेजी की बेसिक जानकारी होगी। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इस बार पेट एग्जाम कर लीजिए जो उत्तर प्रदेश की बड़ी योजनाओं को, बड़ी परीक्षाओं को कराएगा, उसके अंतर्गत अंग्रेजी को भी शामिल किया गया है और इसका भी वेटेज 5 अंक का रखा गया है। इसमें आपके अंग्रेजी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे और पठित गद्यांश पर आधारित जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा ज्यादातर संभावनाएं वहां से बनेंगी। तो 5 अंक इसका हो जाएगा आपका। तर्क एवं तर्क शक्ति यानी रीजनिंग की बात कर ले तो बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण एवं प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, कथन विश्लेषण एवं निर्णय। तो 5 अंक आपका बाबू रीजनिंग का महत्व है। करंट अफेयर्स एक बड़ा महत्वपूर्ण पोजीशन लिया हुआ है, सामयिकी जिसको कहा जा रहा है भारतीय एवं विश्व स्तर पर, ये आपके 10 अंक सीधे सीधे दिलवाएंगे। और फिर से यदि आप हिंदी को देखें तो अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण और हिंदी यहाँ से 10। तो पहला देखें इतिहास एक सब्जेक्ट बता दिया 10 नंबर का और हिंदी यहाँ से, और इन दोनों को सेगमेंट को जोड़ लें तो 5 अंक वहाँ और 10 अंक यहाँ का। तो हिंदी एक बड़ी भूमिका में अभी भी बना हुआ है यूपी के एग्जाम में, और हिंदी का यदि ओवरऑल वेटेज देखें तो बाबू आपको दिखाई देगा 15 अंक का। उसके बाद देखें अगला जो सेगमेंट है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। तो ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ दिए जाएंगे, प्रत्येक ग्राफ में 5-5 क्वेश्चन रहेंगे, 5-5 नंबर वहां से हो जाएंगे। तो टोटल आपका ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये भी गणित का एक सेगमेंट है। दूसरा है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये भी गणित का एक सेगमेंट है। तो 10, 10, 20 और प्रारंभिक अंक गणित। तो कहने का मतलब अभी भी
गणित इसको लिखा जाए, गणित का वेटेज कम नहीं है, गणित का 5 अंक आपका प्रारंभिक अंक गणित से और 10-10 आपको ग्राफ की व्याख्या और तालिका की व्याख्या के अंतर्गत। तो गणित को ओवरऑल यदि आप देख लें तो 25 अंक आपको सीधे सीधे दिलवाएगा गणित। और उसके बाद सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत, जिसमें अपने देश के पड़ोसी देशों के बारे में, उनकी मुद्रा, उनकी राजधानी, वहाँ की कुछ जनजातियाँ, इसके अलावा कुछ खेल संबंधी प्रश्न कर लेने का मतलब मिसलेनियस विविध, आपको एक सामान्य जागरूक अभ्यर्थी है कि नहीं, और इस संदर्भ से भी बड़ा महत्वपूर्ण वेटेज है सामान्य जागरूकता से, यहाँ पर भी आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो यदि ओवरऑल जीएस को देखें तो ये भी आपका जीएस का ही पार्ट हो गया, तो 10 नंबर यहाँ से, बाकी इधर सारे सेगमेंट देखेंगे तो कहीं ना कहीं जीएस के ही होंगे। लेकिन ये 3 मेन बड़े टॉपिक, इसके साथ साथ यदि आप रखते हैं तो करंट अफेयर्स एक सामयिक जिसको कहा जाए, सामयिक से सीधे सीधे आपके 10 अंक हैं, और सामयिक के बाद बाबू सामान्य जागरूकता। इससे भी 10, तो 10, 10, 20 और 25 और 15 इधर जोड़ दें तो 25 × 3 = 10 = 40, तो 40 और 20 ये 60 हो गए और 10 हो गए आपके इतिहास के, तो 70 अंक बड़े आराम से आप चाहें तो धीरे धीरे अभ्यास के साथ प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद देखें तो भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, इनको भी यदि आप अभ्यास में लगे हुए हैं तो थोड़े दिन के समय से यदि और इसको सीरियस ढंग से लग जाएंगे तो इन पेट एग्जाम में जो आगामी कुछ दिन बाद आपकी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी उसमें आप बड़ा अच्छा कर सकेंगे। तो यदि आपका भरपूर सहयोग और सपोर्ट मिलेगा तो पेट एग्जाम को लेकर के एक रणनीतिक परिचर्चा के साथ पेट के लिए क्लासेस शुरू की जाएंगे सिलसिलेवार ढंग से, जिसमें आपको प्रतिदिन पेट का ये जितना सिलेबस आपको लिखाई दिया है, जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, जो हमने चर्चा की, लेकिन यदि आपका भरपूर प्यार, सपोर्ट और सहयोग मिला तो तभी इस बात की चर्चा की जाएगी। तो आप सब विद्यार्थी कमेंट करके बताइएगा कितने लोग चाहते हैं कि पिट की क्लासेज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपको निःशुल्क शुरू की जाएं। तो यदि आपका भरपूर सहयोग और सपोर्ट मिलता रहा तो जरूर हमारी तरफ से प्रयास किया जाएगा। वीडियो को पूरा देखें और आगे की रणनीति को समझें कि कैसे पिट एग्जाम को हमको क्लियर करना है, जिससे यूपी में होने वाली बहुत सारी परीक्षाओं के लिए यही एक बढ़िया अवसर होगा कि इस बार यदि आप चूक जाएंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे अगली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।